कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा एक से कक्षा आठ तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे, 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे, तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है, अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो, वहां अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवाना पड़ता है, करवानी पड़ती है, तो आपको दूर जाना पड़ता है, तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है, उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी।